हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूँ आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल कैम वर्ल्ड में। हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की, हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल की। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को, जिसमें हमने उनकी डिटेल स्टडी करी है। उनमें कितने ब्लॉक्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, किस ब्लॉक को क्या कहा जाता है। तो जनरली जो एस ब्लॉक होते हैं और पी ब्लॉक होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो डी ब्लॉक होता है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट, और जो एफ ब्लॉक होता है उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में अपनी पीरियोडिक टेबल के बारे में, जितनी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितनी उनकी प्रॉपर्टीज हैं, इन सब के बारे में हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। अब जो आज के लेक्चर में हमें बात करनी है, तो आप देख पा रहे होंगे जो हेडिंग पड़ी है वो पीरियोडिक ट्रेंड्स की पड़ी है। दैट मीन्स हमें ऐसे ट्रेंड्स को पढ़ना है जो उस पीरियोडिक टेबल को फॉलो कराती है, उस पीरियोडिक टेबल में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे जैसा हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ही बताया था। एक टर्म यूज करी थी, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है कि जब हम किसी केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टीज को फॉलोअप करते हैं, एक सीक्वेंस के थ्रू फॉलो करते हैं, वो कहलाती है आपकी पीरियोडिसिटी। वही हमें यहाँ पे देखनी है। तो जनरली जो पीरियोडिक ट्रेंड है वो पीरियोडिसिटी ही है। पीरियोडिक ट्रेंड में हम क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को एक सिक्वेंस में फॉलोअप कराते हैं। जैसे हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी किया था एटॉमिक रेडियाई की टर्म को, जिसमें हमने बताया था कि जब भी हम ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं, जो एटॉमिक साइज होती है वो बढ़ती है, और जब भी हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट में चलते हैं तो जो एटॉमिक साइज होती है वो जनरली डिक्रीज होती है। अब ये क्यों होता है, क्या ऐसा होता है, क्या फैक्टर्स हैं इसके, क्यों ज्यादा होती है, क्यों कम होती है, इसको बात अब आज हम करने वाले। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स में जो हम सबसे पहला पढ़ने वाले हैं वो है क्या, वो सबसे पहला टर्म है आपका एटॉमिक रेडियाई। तो हम सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई की बात ही करेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई जनरली जो होता है वो ऐसा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम्स, ऐसा करते हैं, द हाफ डिस्टेंस, क्या कहेंगे, द हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम्स इज नोन एज एटमिक रेडियाई। ठीक है, अब जो डिस्टेंस होती है दो न्यूक्लियस के बीच में उसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि दो एटम्स के बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसकी हाफ डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, आपकी एटमिक रेडियाई होगी। सपोज हमारे पास क्या है, एक ये एटम है और एक ये एटम है, तो इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है आपकी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इन दोनों की बीच की दूरी जो है, ये वाली जो है, ये डिस्टेंस, ये क्या है आपकी, ये एटमिक रेडियाई है। क्या ये एटमिक रेडियाई है। तो जनरली जो एटमिक रेडियाई होती है उसको हम अलग अलग टाइप से देखते हैं, जिसमें सबसे पहली जो है आपकी वो क्या है, वो है वंडर वॉल्स रेडियस। क्या है वो, वंडर वॉल्स रेडियस या वंडर वॉल्स रेडियाई, रेडियस को ही हम क्या लिखते हैं, रेडियाई कहते हैं। तो वंडर वॉल रेडियाई होती क्या है, पहले उससे पहले हमें वंडर वॉल्स बॉन्ड को देखना पड़ेगा कि वंडर वॉल्स है क्या। वंडर वॉल्स एक क्या है, एक वीक फोर्स है जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में पास आते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो जनरली वो होता है वंडर ऑफ वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्योंकि इसको हम वंडर वॉल्स इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल देखूं, जैसे एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉल, ये एटम है, ये एटम है, दोनों एटम मिलके मॉलिक्यूल बन रहे हैं, फिर उसके बाद यहां क्या है,
उसके बाद ये एक एटम है, ये एटम मतलब ये मॉलिक्यूल, ये दोनों क्या है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल हैं। और इनकी जो यहाँ से न्यूक्लियस की डिस्टेंस है, यहाँ से जो इनकी न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की जो आधी डिस्टेंस है, दैट मीन्स जो ये पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट, या फिर इस तरफ से मेजर करें तो ये वाला पॉइंट, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, वंडरवॉल्स रेडियाई है। क्या है, वंडरवॉल्स रेडियाई, क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, लेट सपोज एक्स है ये वाई है, ये एक्स डैश है ये वाई डैश है, तो जो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, वो क्या है, वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और उन दोनों मॉलिक्यूल के सेंटर से जो आधी दूरी है, आधी डिस्टेंस है, वो क्या है, वो क्या है, वंडरवॉल्स रेडियाई है। वो क्या है, वंडरवॉल रेडियाई, दैट मीन्स अगर मैं यहां पे बात करूं तो जो वंडरवॉल्स रेडियाई है वो क्या है, एक्स डैश वाई बाय टू है। तो ऐसी डिस्टेंस है जो, वो क्या है, या फिर इसको बात करते हैं, वंडरवॉल्स रेडियाई की बात करते हैं, तो वंडरवॉल रेडियाई क्या है, एक्स डैश वाई डिवाइडेड बाय टू है। मतलब ये जो डिस्टेंस है एक्स वाई, एक्स डैश वाई, इस डिस्टेंस का हाफ क्या है, वंडरवॉल्स रेडियाई। ठीक है, अब जो रेडियाई होती है उसको जनरली हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, और हमें पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10^-8 सेंटीमीटर, और ये इक्वल होता है 10^10 मीटर के, तो हम इनको आपस में चेंज भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात किसकी है, ये वंडरवॉल रेडियाई की बात। अब ये दूसरी टर्म है वो क्या है, वो कोवेलेंट रेडियाई की है। दूसरी टर्म किसकी है, कोवेलेंट रेडियाई की है। कोवेलेंट रेडियाई में हम बात करेंगे जो डिस्टेंस होती है, तो वो किसी एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग एटम की थी तो एटमिक रेडियाई, अब हमें कोवेलेंट की बात करनी है, तो हम क्या ले सकते हैं, एक मॉलिक्यूल ले सकते हैं, मॉलिक्यूल के दो सेंटर ले सकते हैं न्यूक्लियस के, और उनकी जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस की जो हाफ डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, वो कोवेलेंट रेडियाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कोवेलेंट रेडियाई। हम इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ये है वाला सेंटर है और जो ये वाला सेंटर है, ये एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग सेंटर, इसलिए इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कह रहे हैं। और इस डिस्टेंस की जो यहाँ हाफ डिस्टेंस है, ये क्या है इसकी, ये है कोवेलेंट रेडियाई। ये क्या है, कोवेलेंट रेडियाई। और ये क्या थी, ये वंडरवॉल्स रेडियाई थी। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियाई को जनरली हम क्या कह सकते हैं, कि जो कोवेलेंट रेडियाई है, कोवेलेंट रेडियाई में शॉर्ट में लिख रहा हूं, वो क्या है, एक्स वाई डिवाइडेड बाय टू, या कह सकते हैं एक्स डैश वाई डैश डिवाइडेड बाय टू है। ये क्या है, कोवेलेंट रेडियाई। ये क्या है, वंडरवॉल्स रेडियाई। ठीक है, अभी और क्लियर किए दे रहे हैं, जैसे तुम नहीं चलोगे, जैसे क्या है आपका, ये एक एटम बनाया मॉलिक्यूल, इसके पास में एक दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है, तो अगर मैं इनको आपस में बनाना चाहूं तो कैसे बना सकता हूं, मैं कुछ इसको ऐसे बना, ये एक मॉलिक्यूल, फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये यहां से डिस्टेंस इसकी इसकी, ये कौन सी डिस्टेंस है, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल की डिस्टेंस है, ये दोनों न्यूक्लियस हैं। अगर मैं कहूं तो जो इसके बीच की जो हाफ डिस्टेंस है ये वाली, ये क्या है आपकी, ये है वंडरवॉल्स रेडियाई। और यहां से यहां के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की अगर मैं हाफ डिस्टेंस कर दूं, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, या फिर ये वाली, ये कौन सी होने वाली है, कोवेलेंट रेडियाई होने वाली है। ठीक है, अगर मैं नाम दूं तो इसको एक्स, इसको वाई, इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश, तो जो आपकी वंडरवॉल्स है वो क्या है, एक्स डैश वाई बाय टू, और जो आपकी कोवेलेंट है, कोवेलेंट रेडियाई, वो क्या है, एक्स वाई बाय टू, या कह सकते हैं एक्स डैश वाई डैश बाय टू, क्योंकि ये भी क्या है, कोवेलेंट रेडियाई, यहां भी आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, कमेंट सेक्शन में लिखिए क्लियर है, लिखो भाई लिखो, शेयर करो वीडियो को, शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, अब इसके बाद जो टर्म आती है वो मेटलिक रेडियाई की आती है। तो जो मेटलिक रेडियाई है जनरली नॉर्मल सी होती है, दो मेटल्स के कोर जो होते हैं,
मेटल के अलग अलग दो, अगर दो अलग अलग मेटल ले लो उनके बीच की जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, मेटलिक रेडियाई कहलाएगी। जनरली ऐसी टर्म है, जैसे एटमिक रेडियाई है वैसी मेटलिक रेडियाई है। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर्स की, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमिक रेडियाई। क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो क्या करें, एटमिक रेडियाई को इफेक्ट करें? तो उसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है। वो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज कैसे इफेक्ट कर सकता है, तो स्मॉलर द न्यूक्लियर चार्ज, क्या कह सकते हैं, स्मॉलर द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज स्मॉल विल बी द साइज, एटमिक साइज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज स्मॉल होगा उतना ज्यादा उनका क्या होगा, साइज भी स्मॉल होगा, छोटा होगा। ऐसा होता क्यों है, जैसे अगर हम बात करें, हम बात कर रहे हैं सोडियम 11 की, इसमें अगर हम बात करें तो 1s2, 2s2, 2p1, 2p6, 3s1 ऐसा चलता है। दैट मीन्स जब इसका हम न्यूक्लियस बनाएंगे, एटॉमिक मॉडल बनाएंगे, तो ये क्या होगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये क्या है, ये 1s वाला है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये 2s2 वाला है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी में क्या है, 2p वाले भी इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं। अब इसके बाहर क्या है, 3 वाला है। अब मैंने कहा कि Na प्लस हो गया है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो ये वाला जो होगा निकल जाएगा। जब ये वाला निकल जाएगा तो जो आपकी ऑर्बिट्स बचेंगी वो 2 नंबर तक की बचेंगी, जैसे जिसका मतलब ये थर्ड नंबर की क्या हो जाएगी, कम जाएगी। तो यहाँ पे पहले क्या थी, थर्ड वाली थी, अब कहाँ गई, थर्ड खत्म हो गई। तो जो पहले डिस्टेंस थी रेडियाई की वो यहाँ तक की थी, इतनी थी, अब कितनी हो गई, वो महज बस इतनी बची। दैट मीन्स इतना जो है वो कम गया, इतना पोर्शन क्या हो गया, रेडियाई का कम गया। तो जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होने से नंबर ऑफ सेल्स कम हो जाती है, नंबर ऑफ सेल्स कम होने से उसकी एटॉमिक रेडियाई कम हो जाती है और उसका साइज डिक्रीज हो जाता है। तो एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव में, एज द स्मॉलर द न्यूक्लियर चार्ज, कौन सा न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। स्मॉलर द न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलर द न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉल विल बी द साइज। ठीक है, ये कह सकते हैं, ये उल्टा हो जाएगा, स्मॉलर नहीं कह सकते हम, क्या कह सकते हैं यहां पे, हायर कह सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स घट जाएंगे। तो हायर द न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर विल बी द साइज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा उतना ज्यादा उसका साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास Fe+2 है और मेरे पास Fe+3 है, अगर मैं कहूं कि इनमें से एटमिक साइज किसकी ज्यादा है, तो हम कहेंगे एटमिक साइज इसकी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना छोटा साइज होगा, तो जितना कम चार्ज उतना ज्यादा साइज, इसलिए एटमिक साइज का ऑर्डर इस तरफ को मूव करेगा। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, वो नंबर ऑफ ऑर्बिट का है। वो क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स का है। तो जितनी कम ऑर्बिट उतना छोटा साइज, जितनी ज्यादा ऑर्बिट उतना ज्यादा साइज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको, इसके ट्रेंड में लिख सकते हैं, मोर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, मोर विल बी द साइज। जितना ज्यादा ऑर्बिट का नंबर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उनका साइज होगा। ठीक है, ठीक है, होता क्यों है, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां से क्या होती है, कम हो जाती है, ऑर्बिट कम होगी डिस्टेंस कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम होगी रेडियस कम होगी, रेडियस कम होगी एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। जो फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा ऑर्बिट, उतनी ज्यादा सेल्स उतना ज्यादा उसका एटमिक रेडियाई, उतना ज्यादा उसका एटमिक साइज, जितना कम इलेक्ट्रॉन या फिर कहेंगे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम नंबर ऑफ सेल, उतना कम नंबर ऑफ सेल्स होने से क्या होगा, उसका एटमिक रेडियाई घट जाएगी, और एटमिक रेडियाई कम होने से क्या होगा, उसका साइज भी घट जाएगा। तो ये जनरली जो फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, इसको इफेक्ट करते हैं। एक होता है सबसे बड़ा फैक्टर स्क्रीनिंग इफेक्ट का, जो कि हमने
आगे भी पहले भी इसकी बात करी है हमने, आज हम इसको देख लेते हैं ये स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है। स्क्रीनिंग इफेक्ट को जनरल जो दूसरा नाम है उसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अगर क्या होगा, हायर द स्क्रीनिंग इफेक्ट, हायर द स्क्रीनिंग इफेक्ट, हायर विल बी द साइज, हायर विल बी द साइज। दैट मीन्स जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना ज्यादा उसकी साइज बढ़ेगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट जनरल जो होता क्या है वो देख लेते हैं। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये सेल्स हैं, ठीक है, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा होगा, अट्रैक्शन कर रहा होगा। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा होगा, अट्रैक्शन कर रहा होगा। तो साइज ये दोनों तरफ से अट्रैक्ट होंगे तो साइज छोटी हो जाएगी। इसके बाद बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसे अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो और साइज छोटी होगी। लेकिन यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि अंदर से बाहर वाले में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन, ये भाई साहब चाहेंगे कि हम न्यूक्लियस के पास चले जाएं, लेकिन वहां पहले से मौजूद जो है इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, उसको रोकेगा। तो जब एक बाहर वाली सेल का इलेक्ट्रॉन अंदर वाली सेल की तरफ मूव करता है तो अंदर वाली सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, रिपल्सन देता है। रिपल्सन देने का मतलब वो बचाता है कि हम ये हमारे पास ना आ पाए। तो जब बचाएगा उसको बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो वो इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, दैट मीन्स रिपल्सन जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा ऑर्बिट दूर जाएगी, रिपल्सन ज्यादा ऑर्बिट दूर जाएगी, ऑर्बिट दूर जाएगी, एटमिक रेडियाई बढ़ेगी, और एटमिक रेडियाई बढ़ने के साथ में आप क्या कह सकते हैं, उतना ही ज्यादा उसका एटमिक साइज बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका एटमिक साइज बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो एटमिक साइज ज्यादा, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट ज्यादा एटमिक साइज ज्यादा, सॉरी जो न्यूक्लियर चार्ज है, मैं बार बार यही मिस्टेक कर रहा हूं, जो न्यूक्लियर चार्ज है अगर वो ज्यादा हुआ तो एटॉमिक साइज छोटी हो जाएगी, नंबर ऑफ ऑर्बिट ज्यादा होंगे एटॉमिक साइज बड़ी होगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा एटॉमिक साइज भी ज्यादा होगी। तो सिर्फ एक ही फैक्टर है जो एटॉमिक साइज को डिक्रीज कर रहा है और वो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम साइज, जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज। तो ये फैक्टर आप इसमें देख सकते हो। अब बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ये ट्रेंड्स फॉलो कैसे होता है, पीरियोडिक टेबल में हम ये ट्रेंड कैसे फॉलो करा सकते हैं। तो जो इनका ट्रेंड्स होता है, ट्रेंड्स देख लेते हैं। तो जनरली जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, तो ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं, तो जो एटॉमिक रेडियाई होती है, एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाती है, इंक्रीज होने लगती है। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। जनरली अगर हम किसी पीरियड की बात करें तो इन पीरियड्स में क्या होता है, जब हम कभी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियाई होती है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। अब ये होता क्यों है, ये देखो, जो इंक्रीज वाला फैक्टर है वो इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। इस वाले केस में अगर हम पीरियड में चलें तो जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है वो क्या है, फिक्स है, नंबर ऑफ ऑर्बिट फिक्स है, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से होगा क्या कि जो न्यूक्लियर की तरफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस इंक्रीजेज। और जब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन, जैसा अभी मैंने बताया कि ये वाली सेल है इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये फ्रीली घूमता रहेगा, लेकिन अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया तो पहले एक अंदर जा रहा था अब दो अंदर जा रहे हैं तो ये अंदर की तरफ ज्यादा जाएगा। इसके बाद जब बाहर वाली सेल में जाते हैं
तो फिर से 2s2 में क्या आता है, दो इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये भी अंदर जाएगा। लेकिन जब हम 2p6 की बात करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो कहां दो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अब कहां 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो साइज में क्या होगा, छोटी हो जाएगी। साइज क्या होगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस्ड हो जाएगी। तो जैसे ही हम लेफ्ट से राइट में बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ता है किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हुआ तो ये वाला फैक्टर उतना काम नहीं आता और वो साइज बड़ी हो जाती, ठीक है। तो अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग ट्रेंड्स चलता है, लेकिन अगर हम पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जो पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स होता है, तो जनरली जब भी हम ग्रुप में टॉप से बॉटम में जाते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, जब भी हम पीरियड्स में लेफ्ट से राइट में जाते हैं तब क्या होता है, आपकी जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो जाती है, क्या होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये रही बात किसकी, एटॉमिक रेडियाई की, जिसमें हमने देखा वंडर वॉल्स रेडियाई को, कोवेलेंट रेडियाई को, मेटलिक रेडियाई को। अब हमें बात करनी है कौन सी, आयोनिक रेडियाई की। किसकी बात करनी है आपको, आयोनिक रेडियाई की। आयोनिक आयन्स कितने टाइप के होते हैं, दो, एक होता है कैट आयन, एक होता है एन आयन। कैट आयन स्मॉलर इन साइज होता है, स्मॉलर इन साइज, इसका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। एन आयन का जो साइज होता है वो बिग होता है, बिगर इन साइज। तो जब भी कोई एन आयन या फिर जो भी कट आयन और एन आयन आपस में जुड़ते हैं, जब भी कोई एन आयन कट आयन आपस में जुड़ते हैं तो वो कैसे जुड़ते हैं, ऐसे जुड़ेंगे। तो ये छोटा वाला क्या है, छोटा वाला कट आयन, छोटा वाला कट आयन, बड़ा वाला एन आयन। तो ये क्या है, ये कैटायन है, ये क्या है एनायन, ये क्या है कैटायन, ये क्या है एनायन, ठीक है। तो कहेंगे क्या कि जो एनायन का सेंटर होगा और जो कैटायन का सेंटर होगा, अगर उन दोनों के हम डिस्टेंस देखें, इन दोनों की हम क्या देखें, डिस्टेंस देखें, तो ये क्या है, यह है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये क्या है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की जो हाफ डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, आयोनिक रेडियाई। कॉन्सेप्ट वही है, टर्म बदल गई है। पहले हम यूज करते थे कि दो एटम्स के बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की हाफ डिस्टेंस आपकी एटॉमिक रेडियाई कहलाएगी। अब हम टर्म यूज करेंगे दो आयंस के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच की जो आधी दूरी, आधी डिस्टेंस होगी, उसको क्या कहेंगे, उसको आयोनिक रेडियाई कहेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस, द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू आयंस, या फिर ये कह सकते हैं द इफेक्टिव हाफ डिस्टेंस, क्योंकि हम आधी दूरी मेजर कर रहे हैं, तो द इफेक्टिव हाफ डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर ऑफ आयंस इज कॉल्ड आयोनिक रेडियाई। वो क्या कहलाती है, आयोनिक रेडियाई कहलाती है। क्लियर है, क्लियर है। हाँ, ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो पीरियड्स में भी ट्रेंड्स होगा और ग्रुप में भी ट्रेंड होगा। तो क्योंकि हम बात करने वाले हैं किनकी, आयंस की बात करने वाले हैं, तो जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो जो आयनिक रेडियाई होती है वो क्या करती है, जब भी हम टॉप से बॉटम में ग्रुप में आते हैं तो वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। जब भी ग्रुप में हम टॉप से बॉटम में आते हैं तो क्या होती है, ये इंक्रीज करती है, आयनिक रेडियाई क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जब भी हम पीरियड्स में लेफ्ट से कहां चलते हैं, राइट में चलते हैं, तो ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है। जस्ट एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियाई की तरह ही है, एटॉमिक रेडियाई टॉप से बॉटम में इंक्रीज हो रही थी, वैसे आयनिक रेडियाई टॉप से बॉटम में इंक्रीज हो रही है, और पीरियड्स में अगर बात करें तो लेफ्ट से राइट में ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये ग्रुप में और पीरियड में इस तरह से शो करता है, ठीक है। एक टर्म आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन, क्या कहलाती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन, इलेक्ट्रॉनिक आयन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आयन्स, ऐसे आयन्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो,
दोज आयंस विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे अगर हम बात करें एल्यूमिनियम प्लस थ्री की और Mg प्लस टू की, हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम प्लस थ्री की और Mg प्लस थ्री की। ये इसका 13 होता है, इसका 12 होता है, लेकिन 13 में 3 चले जाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 12 में 2 चले जाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और दोनों के 10-10 इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। तो जब सेम नंबर ऑफ स्पीसीज आ जाए, सेम नंबर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ जाए, तो जिसका नंबर ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा उसकी आयोनिक रेडियाई भी क्या, उसकी आयोनिक रेडियाई भी क्या होगी, उसकी आयोनिक रेडियाई क्या होगी, कम होगी। जिसका चार्ज ज्यादा होगा आयनिक रेडियाई विल बी डिक्रीजेस एज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। जैसे ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा उसकी आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आज के लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैमवर्ड को सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी, स्टे होम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।